let it bang. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नलिन कौशिक। आज है 4 फरवरी। तो भाई, लॉकडाउन के बाद हमारा डिपार्टमेंट बंद हो गया था, तो आज लॉकडाउन के बाद पहली बार मैं डिपार्टमेंट जा रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल करने। हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिकल ओपन किए, एक प्रैक्टिकल मंडे को हुआ था, आज एक प्रैक्टिकल दूसरा है। तो आज मैं जा रहा हूँ, तो सोचा व्लॉग भी बनाऊँ। हमें तो कॉन्टेंट चाहिए भैया, कहीं से भी मिले। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और अभी भाइयों को रिकॉर्ड कर रहा था, उनकी इज्जत उतार रहा था। पिछले व्लॉग में दिखाया था कि इनको नहाते हुए दिखाऊंगा, तो आज वो मौका मिला है, उनको दिखा रहा हूँ। कर चले अलविदा बस। अंशु भाई साहब, भैया भैया को मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ। नंबर आपका भी आएगा। मुझे ताजा कर दो। भाई साहब, नहा धो के तैयार हो गए हो आप? आज स्कूल जा रहे हो? एक्साइटमेंट है? और मैंने रिकॉर्ड किया उसका गम है? आपकी स्कूल जा रहे हो? भाई साहब, आप लोगों की इज्जत मैं यूट्यूब पे डाल दूं? विल यू परमिट मी? इज्जत मत उतारो भाई। डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गई है, तो कुछ लोगों का आना कैंसिल हो गया है। तो जो भी आएंगे आज लोग रिकॉर्ड करूंगा मैं और दिखाऊंगा हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। भाई, डिपार्टमेंट जाने की हमें बड़ी एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। जय साहब बस स्टैंड पे हैं, उसको पिक करेंगे और डिपार्टमेंट चलेंगे। इस भाई को स्कूल छोड़ देंगे। भाई कुछ बोलिए। आज इस भाई की इज्जत नीलाम हो चुकी है। मेरे दर्शकों की डिमांड थी भाई को नहाते हुए देखना है, आज मैंने दिखा दिया। दर्शक है वो? एक दो दर्शक थे जिनकी इच्छा थी कि नाते हुए देखे। कौन क्यों भवे भैया? भवे भैया नली वरने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। बैठ जा रेट अश्लील लोगों, मेरी इज्जत का तुम्हें क्या करना है? रोज जाता हूँ, मेरा क्या एक्साइटमेंट। हमें ही बहुत है, आज पहली बार हम प्रैक्टिकल के लिए डिपार्टमेंट जा रहे हैं ऑफलाइन। इम्पोर्टेंट होता था कि हेलमेट सेफ्टी है, अब ये भी अपनी सेफ्टी है। वैसे अब हम पहुंच गए हैं अपने डिपार्टमेंट, अपने जय साहब को लेके। जय साहब बोले लो। हमारा डिपार्टमेंट भाई आज काफी दिनों बाद आए हैं, अंदर चलते हैं। ये हमारा नोटिस बोर्ड भाई, अब हम चलते हैं भाई। 206 नंबर लैब ढूंढने। जय साहब कैसा लग रहा है आपको आज आके? भाई साहब बहुत दिन बाद आए हैं डिपार्टमेंट में, बड़ी उत्सुकता हो रही है। क्या भाई, हमारी लैब 206 नंबर हमारे साथ हो चुका है। पोपट लैब ऊपर है तो ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए भाई, हमारे दर्शक ये हमारे व्लॉग देखते हैं। हेलो कर दीजिए, चेहरा भी दिखा दीजिए ऐसे करके। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको इतने सालों के बाद आके? अभी तक ठीक लग रहा है। अभी तक ठीक लग रहा है, खुशहाल महसूस। ये हमारे जूनियर्स हैं भाई जो हमारा व्लॉग देखते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है। हमारे साथ स्कैम्स हो रहे हैं, हमें अपनी लैब नहीं मिल रही है। हमें बताया गया कि सर के रूम में ही हमारी लैब लगेगी। हमारे साथ हो चुका है स्कैम, अब हम जाने बत्रा के घर। जय साहब को मिलवा के लाएंगे बत्रा से। जय साहब पहले दिन आए, पहले दिन आपके साथ स्कैम हो गया, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया भाई, सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। हमारा दूसरा कैंडिडेट आ गया हमारी क्लास का, बुबर साहब। हाउ आर यू भाई साहब, कैसे हो? जैसे थे वैसे हैं। कुणाल पूछ रहा है बत्रे के घर बत्रे का ब्याह है क्या? मैं इसको बता रहा हूँ कि बत्रे का ब्याह नहीं है भाई, बत्रे ने बुलाया है जी साहब को मारने के लिए। अरे भरत मिलाप जी, कोरोना फैल गया। जी साहब सजना है मुझे सजना के लिए। ये जीन से कुछ को सीख के आते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। भाई साहब राकेश कुमार मारवा सर की आपकी लैब है, उनके लिए सज रहे हो क्या? मारवा सर सजाएंगे आपको? 4 साल में नहीं पटी, अब क्या पटेगी भाई साहब? क्यों चिंता कर रहे हो? समुद्र इकट्ठा नहीं करता, धीरे धीरे करके बूंद बूंद से सागर बनता है भाई साहब। जेई का तो भर गया है। 9 फरवरी बड़ा स्पेशल दिन है जेई साहब, 9 फरवरी के लिए आपको ढेरों बधाई है। पत्रा घर जाना कैंसिल हो गया भाई, हमारे सर आ गए लैब में बुलाया। कुणाल ऊपर, बाय बाय।
सॉरी भूल गया था भाई साहब, काफी सालों बाद इस डिपार्टमेंट में आए हैं, याद नहीं रहता हमें कहाँ जाना है। गलती तो भाई साहब यही साल की है, 9 फरवरी। काजू कतली का फोन आया है, वो कौन है? है अरे लौंडे, काजू कतली के फोन आते हैं तेरे पास? अरे बंद करो। काजू कतली कौन है? पागल हो गए भाई, हमारे व्यूअर्स पागल हैं। भाई साहब क्यों भटक रहे हो आप? कुछ नहीं हो सकता भाई इस डिपार्टमेंट में आपका, कुछ नहीं बनेगा इस डिपार्टमेंट में आपका, आप सिर्फ फार्मेसिस्ट बनोगे। ये व्यूअर कह रहे हैं कि मैं गोप्रो ले लूं। भैया आप सब्सक्राइब करते नहीं, शेयर करते नहीं, पैसे कैसे आएंगे यूट्यूब से? करते हो आप शेयर? और भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे को अच्छे सब्सक्राइबर व्यूअर मिले हुए, क्लासमेट भी अच्छे नहीं, मेरे को तो क्लासमेट भी अच्छे नहीं मिले भैया। भाई व्यूअर तो अच्छे हैं, लोगों भी अच्छा होना चाहिए, क्लासमेट भी अच्छे नहीं है भाई मेरे। भाई साहब इसके अरमान जाके मैं इसे शांत करवा रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, जो हुआ आपके साथ यही बात आपको मिलेगी, ये कुछ भी अच्छा नहीं था। हम भी कह रहे हैं, खैर अलग बात थोड़ी है। आपको कोई दिक्कत तो 9 फरवरी को हुई थी भाई साहब। भाई 9 फरवरी इज इक्वल टू ब्लैक डे, ग्रैंड डे, ब्लैक डे, ब्लैक डे नहीं, ग्रैंड नहीं, ग्रैंड सेलिब्रेशन। हमारा एआरयू का एक सदस्य है शहीद हो गया था एक उस दिन, एआरयू के सदस्य वरिष्ठ में फूट पड़ गई थी, वरिष्ठ सदस्य मिस्टर जय साहब रिटायरमेंट ले चुके हैं। आएगा ना मजा पीड़ू, फोड़ रहे फोड़ रहा, आज इसकी मटकी फोड़ रहे फोड़ विशाल भाई देख ले आप बस्तिया चल रही है, तुम नहीं आए, सो सैड। दिव्या मोहन आप गोल्डन मोमेंट्स मिस कर रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, और हम कह रहे हैं कि मैं हॉस्टल लूंगा और 90 दिन के 90 व्लॉग आएंगे, जब तक हम इस डिपार्टमेंट में जिंदा हैं व्लॉग ही व्लॉग आएंगे। फोन बुरा मान जाएगा। सर ने प्रैक्टिकल दे दिया है, हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, और हमारी मैडम से हेलो, कैसा लग रहा है मैडम? ये बच्चे बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं भैया, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या ढूंढ रहे हो भाई? बेटा नब तो ढूंढ रहे हो, मिल जाएगा भाई। बेसिकली हम तो व्लॉग बनाने आए हैं। नहीं है ये मैडम तैयार हो रही है? नहीं हम तैयार हो, आप ना तो क्या आए हो? भाई पूछ रहा है कि मैं क्या करने आया हूँ। मैं 9 फरवरी को एक सेलिब्रेशन है, आज उसकी पार्टी लेने आया हूँ मैं। बाद में क्या बता देगा? अभी बता दे। मतलब 9 फरवरी को तो सेकंड वो है कुछ मैरिज एनिवर्सरी, और ठीक है ना फिर हमें पार्टी दे दी आज ही पार्टी। दे आर डिस्कसिंग ऑन वेडिंग्स, हमारी क्लासमेट शादी कर रहे हैं चुपचाप, सत्तू की बातें हो रही हैं। सत्तू दादा सत्येंद्र भाई सुन ले, तेरी वाइफ की बातें हो रही हैं। सत्तू ने बुलाया था आपकी तरफ से, मैं गिफ्ट दिया आया था। जेई को गिफ्ट देना बाकी है, जेई को गिफ्ट देंगे हम। जेई की वाइफ भाभी जी आपकी फोटो दिखाने से कतरा रहा है, इसका मतलब कोई और लोग चाह रहे हो। तो भाभी जी आप अगर वो लोग देख रही हो तो देख लो। अब आज फिर कह रहे हैं हर ब्लॉग में कहते भाई रिसेप्शन कर लो। आप इस बेचारे को नहीं बुलाया, इतना दुखी हो रहा है पूरे ब्लॉग भाई। हमें पाव भाजी चाहिए थी, आपने वो नहीं कराई। भाई जय कह रहा है कि नास की जड़ तू है। जय नास की जड़ मैं नहीं हूँ। तो भाभी जी अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो मैं नास की जड़ नहीं हूँ। भाई जय को यहाँ भी चैन नहीं है, चुपके चुपके अपनी वाइफ की फोटो देख रहा है। भाभी जी, भाभी जी आपकी फोटो देखी जा रही है यहाँ चुपके चुपके, हमसे छुप छुप के फोटो देख रहा है जय। यार घर जाके देख लेना, यहाँ क्यों देख रहे हो? राज की बात बताऊं, जय अपनी वाइफ की फोटो देख रहा है चुपचाप। है मेरे को देख, अरे दिखा देना फोटो नहीं है, आपके पास वाइफ की फोटो नहीं है, फोटो देख नहीं, मेरे को बोल, मेरे पास फोन नहीं है। भाई साहब गैलरी खोलते हैं और गैलरी बंद कर देते हैं। अरे ये खोल ले। भाभी जी आपकी बड़ी याद आ रही है भाई को, बहुत ज्यादा हो रहा है, दिखा रहा दिखा दे तो पकड़ इसको, फोन दिखा दे रहा, पकड़ इसको, क्या फोन दिखाना, अरे जा विकेट उठा रही है इस गधे को, तो भी लोग से सर ने बोला है कि भैया आराम से बैठ जाओ,
देख हम कर ले क्या सामने से सर शर्म को नहीं किसी की कितनी बोर हो गई ना मैं टट्टी हो गई है टट्टी बाकी टट्टी का रंग देखा तू तेरी शक्ल योर फेस ब्रो नो भाभी अगर ये घर पे काम नहीं करता तो देख लो यहाँ काम करता है वहाँ पे भी इससे काम करवा लिया करो जय साहब बर्तन मांजोगे आप यहाँ भाई भाभी की हेल्प करते हो आप भाई खपाओगे मुझसे जी कर दे दे कर तू शॉपिंग बाड़े रिस्पॉन्सिबल भाई ना 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 वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल हाँ नौ फरवरी आ रही है बार बार दिल ये गाए बार बार तुम्हारी एनिवर्सरी आए ये भाई की सेकंड आया था थर्ड भाई वो दिव्य मोड़ ने मेरी नकल मार के सेकंड आया दिव्य मोड़ आ रहा है हमारे सीआर साहब कुणाल भूपर आज मिठाई बांट रहे हैं भाई टॉप करने की खुशी में बोल भाई पत्रा कह रहा है कि लाल कपड़े क्यों पहन के आया लाल कपड़े नहीं कहा भाई मैंने तुम लाल कपड़े नहीं फैंसी कपड़े क्यों पहन के भैया 14 फरवरी आ रही है वैलेंटाइन डे कपल को रोकने के लिए मैं ये लाल शर्ट पहन के आया हूँ बजरंग दल का मैं मेंबर हूँ अच्छा एआरयू ग्रुप का अच्छा एआरयू ग्रुप भी और बजरंग दल एक नहीं है भाई दोनों एक ही बना दिया है एआरयू भी इसी पे काम करता है भाई इस बंदे का नेट नहीं चल रहा कुछ दिनों से और ये कहां से एआरयू लेट कर रहा है मेरे को ये तो बता दो ठीक है पूरा एआरयू आज हम इसको पहन के अपनी यादों को ताजा करेंगे आज ये प्राउड टू बी फार्मासिस्ट बत्रा जी कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे उसको मेरे को कट करना पड़ेगा शायद भाई नहीं ये लौंडा अपने घर पे वाइफ की हेल्प नहीं करता यहाँ काम कर रहा है क्या बोलना चाहता मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जेई साहब 9 फरवरी आ रही है पार्टी दे दो भाई 9 फरवरी को क्या है एनिवर्सरी है यार की सेकंड के थर्ड आज मेरे यार की शादी है भाई ये लौंडा भाई टॉप करने की खुशी में मिठाई बांटता घूम रहा है मिठाई का डब्बा निकाल और ये डब्बा हमने खोल दिया है इसको खा भी ले थोड़ा बहुत जय साहब ने भारती जी को अपनी वाइफ की फोटो दिखाई कैसी लगी भारती जी भाई अच्छी है भाभी जी के लिए कुछ बोल दीजिए भाभी जी देखती है मेरे लोग क्या बात है जानती हैं बत्रा जी कभी कभी काम भी कर लेते हैं बत्रा जी कभी कभी काम करते हैं जय का भटूरा निकल गया है जय की ऐसी शादी हुई है कि भटूरा निकल गया है पेट में हमारी प्रैक्टिकल खत्म हो गई है भाई हम ऊपर साहब के साथ घूम रहे हैं ऊपर साहब मास्क हटा दीजिए ओए यार क्या कर रहे ठुकवाएगा क्या पागल हो गए ये ऊपर के साथ बकचोदी करते हुए घूम रहे हैं हम भाई साहब ये भी एक बकचोदी है जो पीछे बैठा है I'm also a बकचोदी भाई हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो गया है और अपना बैग मेरा ऊपर रखा था लैब में मैं लैब ले आया हूँ बैग और अब हम जा रहे हैं कुणाल भैया से पार्टी लेने आपको पार्टी दिखाएंगे कुणाल भैया की कुणाल ऊपर एआरयू वालों देख लो कुणाल पार्टी दे रहा है विशाल आरआरएम आ जाओ भाई हमें बूबर मिल गया है और अब हम जा रहे हैं इससे पार्टी लेने इसने पूरे डिपार्टमेंट में मिठाई बांटी है बर्फी हमें नहीं खिलाई है और एआरयू वालों हम खाएंगे भी नहीं हम बर्फियों से काम नहीं चलाते हमें चाहिए पार्टी जूनियर्स हमारे बड़े इंस्पायर्ड हैं कि फार्मेसी के अंदर बहुत कुछ मिलेगा कोई इनको बता दो बब्बर साहब कि फार्मेसी में कुछ नहीं है कल भी बर्बाद थे आप जैसे हो ना वैसा ही ये था आज के दिन इसका विश्वास उठ चुका है और मिठाई बाटी आज इसने टॉप किया है अच्छा दो दो टॉपर्स का मिलाप हम कुणाल की बर्फी नहीं खाएंगे कुणाल हमें पार्टी देगा ये जरूर डाली हाँ बोला है ये इसके संस्कार है देख मजे में हो मजे में है बिल्कुल मजे में है मजा मचो मजा मचो पार्टी देने जा रहे हो
सोची तो नहीं टाइम नहीं मिलता फिर आपको भाई पकड़ोती तो जिंदगी के साथ हो रखी है फिर क्यों टॉप किया बिल्कुल भाई साहब यार एआरयू के मेंबर हो भाई साहब आप भाई साहब अरे लौंडे भाई साहब हम पहुंचे हैं लंदन स्कूल ऑफ ब्रिक एंड बॉल लंदन स्कूल ऑफ ब्रिक एंड बॉल वो क्या ये बार विशाल भैया जानते हैं बेसिकली हम बत्रा जी के घर आए हैं बत्रा जी थोड़ी सी दक्षिणा लेने आए हैं तो कुणाल भैया आज क्रेडिट पे पार्टी देंगे वो पता नहीं डेबिट कब होएगा भाई भैया डेबिट हो या ना हो पुत्रा जी को जाएगा हमें क्या है तो पार्टी से मतलब पार्टी से मतलब है भाई 9 फरवरी भी आ रही है अहो भाई साहब जबरदस्ती से ली हुई पार्टी भी कोई पार्टी होती है भैया वो पार्टी क्या जो जबरदस्ती ना ली जाए भाई हम पुत्रा जी के घर के बाहर खड़े हैं और पुत्रा जी अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं सीधा बोल दे छुट्टी करने जा रहा हूं जय साहब कह रहे हैं कि टट्टी वर्ड वल्गर कंटेंट है ही इज गोइंग टू पी एंड पू भाई जय साहब कह रहे हैं कि टट्टी वर्ड वल्गर है जय साहब आपने कभी गेस्ट इन लंदन नहीं देखी पार सॉन्ग भी रिलीज हो रहे हैं टीवी पे आ रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री सब जगह चल रहे हैं और तुमको टट्टी वल्गर लग रहा है भैया कह रहे हैं कि इसको काट देना भाई साहब बोलते वक्त आपको शर्म नहीं आती कैमरे में कुछ भी बोल देते हो और जय साहब बोलते ही नहीं है कुछ उनको उनको लगता है कि मैं जो कुछ भी बोल दूंगा वो सब कुछ बीप लायक ही है सदस्य हो चुके मतलब पारिवारिक बंदा हो चुके हम यार अभी जय तो भाई हमारा अब रिस्पॉन्सिबल बंदा है ये हमारे सीआर साहब का पेट्रोल खत्म हो गया है इसको हम पीछे से पैर लगा के लेके जाएंगे फिर क्यों बोल रहा था कि धक्का लगा भाई ये देख अभी स्टार्ट कर ये ले देख कुणाल आज फंस चुका है एआरयू वालों देख लो ये भाई भी आ चुके हिम्मत मेरी दी हुई है इनको भाई ये तो बर्फी में ये बर्फी में राजी हो रहे थे ये बर्फी में मैंने पंप किया मैंने कहा भाई बर्फी मत खा पार्टी में एआरयू वालों आज बदला मैं लूंगा तुम्हारा भाई बिल्कुल एआरयू वालों जिस दिन तुम आओगे उस दिन फिर पार्टी होगी उस दिन ये थर्ड आया हुआ बंदा देगा भाई पहले दिव्य मोहन देगा मैं जोड़ दूंगा पर पहले दिव्य मोहन देगा ठीक है आरआरएम सुन ले कैसा लग रहा है आपको एक बार थोड़ा विस्तार में बताएंगे भाई जबरदस्ती पार्टी दे रहे मजाक कुछ जय साहब 9 फरवरी भी आ रही है भाई बिल्कुल 9 फरवरी भी आ रही है और पीछे कहता हूँ 13 मार्च भी है तेरा मार्च ओए भाई साहब 13 मार्च आ रहा है भाई साहब 13 मार्च को है पत्रा का बर्थडे और अगर 9 फरवरी पहले 9 फरवरी आएगी ठीक है पहले 9 फरवरी आएगी कोई दिक्कत नहीं है फिर 13 मार्च आएगा फिर ना फिर सेकंड दिव्य मोहन आएगा बंदे ने पुलका मैं पार्टी दूंगा आरआरएम तू भी आ जा जय आप कुछ बोलोगे आरआरएम तेरे को दिव्य मोहन मैं सिर्फ पार्टी लेने के लिए बोल रहा हूँ तेरे को रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ मैं सिर्फ और जय के घरवालों देख लो जय हमारे वाले हैं 9 मार्च तक नौ फरवरी को जय की इज्जत लूटेंगे हम अंकल जी देख लो ये इस एनिवर्सरी पार्टी लेनी है नाटक ये नाटक नहीं चाहिए ठीक है अंकल जी नाचना नहीं चाहिए बोल चिल्ला के चल ना छोड़ एआरयू वालों अब तक हम एक डोसा एक प्लेट छोले भटूरे खा चुके हैं अभी एक प्लेट और मंगा रहे हैं तो किसी को खाना है तो मोस्ट वेलकम भाई अभी रुका नहीं है एक मिनट के बाद भी आएगा कुणाल की हवा निकाल देंगे आज आज कुणाल की हवा निकाली जाएगी भाई साहब बात ऐसी है पेमेंट कर रहे हैं बत्रा जी घंटा आप किसी अगर होटल में जाते हो तो ऐसे टिश्यू पेपर फ्री होते हैं इन लोगों की तरह वेस्ट कर सकते हो करिए भैया करिए टिश्यू पेपर वेस्ट करते रहिए बस जा रहे टॉप कर सकता है तू और सारे एक बात और सुन लो कि ये टॉप ऑनलाइन एग्जाम में किया गया है ऑफलाइन में भी टॉप आता हूँ भाई ऐसी बात नहीं है ये टैंक हो गया ऑनलाइन में दिया गया एग्जाम एआरयू वालों हमने एक प्लेट और छोले भटूरे मंगाए हैं आप देख सकते हो एक प्लेट बकरे के हाथ में है एक भटूरा और भटूरे आजकल बहुत सारे लोगों के फूल रहे हैं
बत्रा का भी बहुत जल्द फूलने वाला है भाई, भटूरा तेरा फूलेगा। मैं भाई लोग लास्ट में लेते हैं, ये हम मिड में ले रहे हैं और अभी तो टेस्ट किया तो खाना बाकी है। अब जय के ऊपर प्रेशर है, जय क्या मंगाना है? मैंने डोसा मंगा लिया, इन्होंने छोले पूरे मंगा लिए। नहीं आती शर्म, नहीं आती, मैं मुंह में डालूंगा पूरा पूरा। अब ले जंगली है भाई साहब, बच्चों की इच्छा होती है कि मैं टॉप करूं। हम कहते हैं कुणाल बुबर आप टॉप करते रहो और पार्टी देते रहो। अब हमने मंगाया भाई डोसा दोबारा से, एआरयू वालों विशाल आरआरएम देख लो, आरआरएम बारी तेरी है भाई, अगली बारी आरआरएम की। टेस्ट वाकई में अच्छा है भाई साहब, सौ खा खा के टेस्ट अच्छा बता रहे हैं। कुछ बोलते करने दे, कुणाल तीन बार टॉप करके आज पार्टी दी है भाई, देख लो भाई। पार्टी खत्म हो गई है, अब हम जा रहे हैं अपने अपने घरों में। बोलिए देखो भाई साहब, बात ऐसी है पार्टी तो होगी बट पैसा मैंने एक रुपया नहीं दिया। सारा पैसा बत्रा ने दिया है। अभी कोई बात नहीं भाई, कुणाल ने पार्टी दी है उसके बारे में कुछ कहोगे? मैं क्या कहूँ यार, बताइए यार, कुणाल ने पार्टी दी आज भाई, मेरे पैसे टाइम पे दे दिए। बत्रा के पैसे टाइम पे मिल जाने चाहिए भैया, पैसे तब मिलेंगे जब सेकंड एंड थर्ड टॉपर भी पार्टी देंगे। आप पार्टी के रूप में बत्रा गोलगप्पे खिला रहे हैं, ये देखो भाई गोलगप्पे। विदा लेने के बत्रा बोबर जी भैया, बाय 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 बाय, इतनी माँ की जय। बब्बर जी की मम्मी दी की जय, आप टॉप करते रहो, हमें पार्टी देते रहो, हम भगवान से यही दुआ करते हैं। अब अगर सेकंड पे आ गए तो गोल्ड मेडल तो पक्का हो ही चुका है भाई। जो इस डिपार्टमेंट में इसने बर्फिया बांटी है वो हमको देनी बाकी है। ये निकाला इसने डब्बा, कहाँ का डब्बा है? टू ब्रोस। कहीं का भी हो, ये बर्फियां हैं, ये बर्फी भाई विशाल और आरआरएम के नाम। नहीं नहीं, आराम तो पार्टी देगा। अच्छा भैया बाय बाय, अब आप जा सकते हो। जय साहब बाय बाय। भाई कुणाल से पार्टी लेके अब हम मैं अपने घर आया हूँ यहाँ सोनीपुर स्टैंड पे, और थोड़ी देर में निकलूंगा मैं अपने भिवानी के लिए। तो भाई पार्टी में बड़ा मजा आया, एआरयू वालों आरआरएम और विशाल को अगर ये ब्लॉग देख रहा है तो भाई हमने कुणाल की अच्छे से उतारी है, अच्छे से अपना पेट भर के खाया है। तो जिस दिन आप मिलोगे उस दिन हम फिर पार्टी करेंगे और बत्रा जी से भी पार्टी लेंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही था, आज मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार डिपार्टमेंट गया था प्रैक्टिकल लगाने के लिए, इसलिए सोचा था व्लॉग बना लूं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो एक चीज़ और रह गई थी, ये भाई कह रहा था कि एंडिंग में मेरे को नहीं लिया, तो भाई मैं जा रहा हूँ, उनको बाय कर दो, मुझे ताता कर दो, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। क्या कर रहे हैं भैया? अच्छा अच्छा भाई साहब बाय बाय, अंशु बाय, गॉड ब्लास्ट यू भाई साहब, गॉड ब्लास्ट यू।